हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरी यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, नेट वाज अनअवेलेबल। So now moving to straight lines, before starting straight lines, कुछ important points हैं जो हम already छोटी classes में discuss कर चुके हैं, लेकिन इस chapter में वो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। पहले वो points देखते हैं। First point, अगर हमें दो points given हो जिसके coordinates हैं, P point है, let us assume उसके coordinates हैं x1, y1, Q point है जिसके coordinates हैं x2, y2, so हम distance कैसे निकाल सकते थे जो दो points के बीच में? अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और आगे क्या लगाते थे हम? यूनिट्स। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके आगे हम लगाएंगे यूनिट्स। सपोज आ गया फोर सॉल्व करके, सो फोर यूनिट्स, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं छोटी क्लासेस में। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमें दो पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, so the coordinates of a point dividing the line segment joining these two points internally in the ratio, ratio आपको given है m ratio n, so क्या होगा coordinates क्या होंगे? दो points given है जो internally divide कर रहे हैं line segment को in the ratio m ratio n, so अगर coordinate निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m into y2 plus n into y1 over m plus n. What if m equals to n? अगर रेशियो इक्वल हो जाए, one ratio one हो जाए इस टाइप से, अगर m equals to n हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? m x2 plus n, m equals to n है, so m x1 divided by m plus n, और ये क्या बन जाएगा? एम वाई टू प्लस एम वाई वन ओवर एम प्लस एम, ठीक है, अगर m इक्वल्स टू n हो जाए, सो n की जगह भी मैंने m रखा है, यहां से n कॉमन आ जाएगा, सो ये मेरा बनेगा m x2 प्लस x1, यहां से m कॉमन लो 2, m से m कैंसिल, सो यहां से अगर m कॉमन लेंगे सो m y2 प्लस y1 और m कॉमन लो 1 प्लस 1 2, सो फाइनली इफ m इक्वल्स टू n हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? यहां से x1 प्लस x2 बाय 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने निकालना देखा था पहले, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हमें तीन पॉइंट्स चाहिए, तीन पॉइंट से ये ट्रायंगल बनेगा। लेट अस अज्यूम दैट तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से हैं, फर्स्ट के x1 y1, सेकंड के x2 y2 एंड थर्ड के x3 y3, सो एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये ध्यान रखिए जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का वो हमेशा है पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, दैट्स व्हाई हम मॉडुलस लगाते हैं। सो हाफ इनटू, सबसे पहले x1 लेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड मॉडुलस, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो मीन्स ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं ए बी सी जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स दे लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हम ज्योमेट्रिक फिगर की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है वो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर है, राइट? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे बार बार इस चैप्टर में। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ये मैंने कोई भी लाइन एल कंसिडर की है, और जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, L का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये तो ये मेरा एंगल कितना होगा अगर ये मैंने थीटा कंसीडर किया है, स्ट्रेट लाइन है ये, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ये थीटा है, सो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, राइट? नाउ सी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन,
इसके लिए सबसे पहले तो जो थीटा एंगल हमने कंसीडर किया है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, दैट इज इट लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री. सो द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है और उसको मेजर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर नहीं करना है, यू हैव टू कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसे हम क्या करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. क्या चीज ध्यान रखनी है, जो लाइन एल हमने कंसिडर की है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना चाहिए वो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम क्या करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री, राइट. नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन के लिए हमें कोई लाइन कंसिडर करनी है, मैंने एल लाइन कंसिडर की है, राइट. सो अ लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री. अगर हम कोई भी लाइन कंसिडर करेंगे तो वो दो एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ, जैसे यहाँ पे ये थीटा बना रही है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा बन रहा है. सो अ लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स, कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन, फॉर्म्स टू एंगल्स विद एक्स एक्सिस. ठीक है, कोई भी लाइन लेंगे दो एंगल्स बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ जो सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स जो एंगल्स है दे लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री. अब एक और चीज देखिए, अब ये जो लाइन एल है, ठीक है, ये कोई थीटा एंगल बना रहा है. अगर लाइन एल जो है ये मेरी एक्स एक्सिस है, वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस से या कोइंसाइड करे एक्स एक्सिस पे, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री. ठीक है, सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा 0. इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, एंड वी हैव टू मेजर इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. या तो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के या कोइंसाइड करे एक्स एक्सिस पे, उस केस में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा 0 डिग्री, राइट. सेकेंड, अगर जो लाइन एल है वो वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस को कोइंसाइड करे, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री. सो इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करेगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. एंड इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या हो गया, क्योंकि लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी या वाई एक्सिस को कोइंसाइड करेगी, दैट इज 90. ठीक है, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, मीन्स जो एंगल थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है लाइन एल से एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो थीटा जो है अगर इंक्लिनेशन है लाइन एल का, तो टेन थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं. ठीक है, और स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से. तो स्मॉल एम मेरा क्या हो गया 10 थीटा स्लोप ऑफ द लाइन वे थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि जो स्लोप ऑफ लाइन है हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. स्लोप जो है वर्टिकल लाइन का डिफाइन नहीं होगा, दैट्स वाई थीटा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए. अगर मुझे इंक्लिनेशन निकालना है, सॉरी स्लोप निकालना है एक्स एक्सिस का, स्लोप एक्स एक्सिस का निकालना है, मींस स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, लाइन जो एल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर कोइंसाइड कर रही है एक्स एक्सिस पे, सो उस केस में इंक्लिनेशन क्या था 0 डिग्री. तो स्लोप क्या हो जाएगा 10 0, क्या होता है 0. सो 0 स्लोप के लिए क्या करना है, मुझे थीटा 0 रखना है, क्योंकि थीटा क्या है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूं, मीन्स कोइंसाइड कर रहा है एक्स एक्सिस से लाइन एल या पैरेलल है एक्स एक्सिस से, इट मींस थीटा मेरा क्या है 0. अगर मैं यहाँ थीटा 0 रखती हूँ, सो एम इक्वल्स टू 10 0. 10 0 क्या होता है मेरा 0. सो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया 0. एंड सेकेंड, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. वाई क्योंकि इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं है. वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, मीन्स वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे तो इंक्लिनेशन ही डिफाइन नहीं है. इंक्लिनेशन डिफाइन नहीं है, मींस थीटा की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे. दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. अब हमें स्लोप निकालना है उस लाइन का
जिसमें हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. इट मींस स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स आर गिवन. ठीक है, इस एल लाइन का स्लोप निकालना है. इसमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी और क्यू मेरे कोई भी दो पॉइंट्स है. पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है एक्स वन वाई वन, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है एक्स टू वाई टू. ठीक है, सो पी और क्यू कोई भी दो पॉइंट्स है और जो लाइन एल है मेरी वो नॉन वर्टिकल लाइन है. नॉन वर्टिकल लाइन क्यों किया है, अगर ये वर्टिकल लाइन हो जाती तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाती, 90 डिग्री, जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं है क्योंकि इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसलिए जो लाइन एल है वो नॉन वर्टिकल लाइन है, जो थीटा है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है. राइट, क्लियरली एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू. वाई अगर x1 x2 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी जिसका स्लोप डिफाइन नहीं है. इसलिए x1 नॉट इक्वल टू x2 है, l जो है वो नॉन वर्टिकल लाइन है. ठीक है, इसमें ना दो केसेस आते हैं, एक तो कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल बना रहा है और सेकंड थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. अब इसमें तो साफ पता लग रहा है थीटा एक्यूट एंगल बना रहा है, मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो 0 टू 90 डिग्री के बीच में है. अब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनाएगा, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है. ठीक है, अगर मैं ऐसे लूं ये लाइन l, तो यहां पे जो ये थीटा है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. चाहे कोई भी थीटा एक्यूट एंगल बनाए या ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, दोनों ही केसेस में जो स्लोप है लाइन का वो सेम होगा. स्लोप जो होगा, जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, स्मॉल n से. ठीक है, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ठीक है, अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है p पॉइंट के, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है q पॉइंट के, तो दोनों ही केसेस में जो स्लोप है वो ये होगा. अब ये स्लोप कैसे आया इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. अब हमें स्लोप निकालना है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. सो ये l1 l2 दो लाइंस है जो पैरेलल है, l1 इज पैरेलल टू l2. So, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उसके स्लोप्स क्या होंगे, दोनों के इक्वल. अगर m1 l1 लाइन का स्लोप है, m2 l2 लाइन का स्लोप है, तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे. नेक्स्ट इज स्लोप निकालना है दो लाइंस का जो आपस में परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है l1 एंड l2, उसका स्लोप में क्या प्रॉपर्टी होगी या स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे नॉट इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, क्या कंडीशन होगी वो देखना है. So, अगर मैं m1 जो है स्लोप लेती हूँ लाइन l1 का, m2 जो है स्लोप लेती हूँ लाइन l2 का, सो अगर l1 l2 के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगा, अगर उन दोनों के स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करूं सो मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस वन. कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम जो हमने तीन रिजल्ट के डायरेक्ट फॉर्मूले देखे हैं उसका प्रूफ देखेंगे. टिल देन बाय बाय.